पूरे देश में छठ पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के शीतलदास की बगिया स्थित घाट पर छठ पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे और प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई दी। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। छठ व्रतियों ने बुधवार की शाम अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया। छठ पर्व को लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान छठ पूजा के अवसर पर शीतलदास की बगिया स्थित घाट पर शामिल हुए और लोगों को बधाइयां दी। छठ पूजा के पावन अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबको बधाई दी और छठ माता से सबकी सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा पूरे देश का पर्व है। छठ पूजा के अवसर पर सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। सीएम ने कहा कि इस प्रकृति पूजा के पर्व पर मैं आपसे दो व्रत और रखने का निवेदन करता हूं। सीएम ने कहा कि जब भी कोई खुशी का मौका हो तो एक पेड़ जरूर लगाना और प्रदेश की जनता से वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की अपील भी की। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबको बधाइयां और छठ मैया से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन प्रकृति पूजा का भी ये पर्व है और ये दो व्रत और नहीं, ये मेरा निवेदन है आपको। कर लू निवेदन? अरे कर लू निवेदन। एक, जब भी कोई खुशी का मौका हो, बेटा बेटी का जन्मदिन हो, शादी की गर्भवर्षगांठ हो, कोई भी खुशी का मौका हो, एक पेड़ जरूर लगाना, एक पेड़ लगा देना, लगाएंगे। और दूसरा और आपसे एक व्रत और ले लो कि जिनने पहला डोज लगवा लिया हो, कोरोना का भैया दूसरा डोज जरूर लगवा दो। शीतलदास बगिया पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और भोजपुरी एकता मंच के अध्यक्ष कुंवर सिंह मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।